Dear student, heartily welcome in UNS online classes. Myself Mohammad Harun, Faculty of Mathematics. बच्चों आज जो है अपन क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल अपना चैप्टर का नाम है और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जो है आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई, थर्ड क्वेश्चन इसमें वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। इट मींस इसमें देखो पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके अगेंस्ट में जो है जीरोज दे रखा है। अब मेरे को ये बताना है, वेरीफाई करना है कि जो इसके इंडिकेट में जीरोज की वैल्यू दे रखी है पॉलिनोमियल की, वो वेरीफाई ट्रू है या फिर फॉल्स है। इट मींस अगर एक्स की वैल्यू पर जो पॉलिनोमियल है, मैंने आपको बता रखा है जीरोज की डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, वो क्या कहलाता है, जीरोस। तो यहां पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 3x plus 1 एंड x की वैल्यू मेरे को यहां पे दे रखी है माइनस के 1/3, ठीक है। ये पॉलिनोमियल दे रखा है और पॉलिनोमियल के आगे जो है इसकी जीरोस की वैल्यू दे रखी है। अब मेरे को वेरीफाई करना है कि ये जो एक्स है वो इसका जीरोस है या अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इट मींस अगर एक्स पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल होगी तब क्या कहलाएगा, ये इसका जीरोस कहलाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x plus 1, ठीक है स्टूडेंट, पी एक्स इज इक्वल टू 3x plus 1। अब यहां से जो है x की वैल्यू मेरे को दे रखी है तो जहां जहां x होगा मैं वहां क्या करूंगा, पुट माइनस के 1/3, तो ब्रैकेट के अंदर भी x था तो मैंने क्या लिखा, माइनस के 1/3। अब यहां पर भी x है तो x की जगह क्या पुट करूंगा मैं, माइनस के 1/+1, ठीक है। अब ये इस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा, -1 + 1, यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, जीरो। यहां से क्या मेरे को मिल गया, जीरो। तो इट मींस जो x की वैल्यू माइनस की 1/3 दे रखी है वो क्या है इसका इसका क्या हुआ, जीरो। सो x इज इक्वल टू -1/3 इज दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स, ठीक है। यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इट मींस जिस एक्स पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी वो क्या कहलाएगा, इसका जीरोस। अगेन देखो इसका सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, पीएक्स इज इक्वल टू 5x - π, वेयर x इज इक्वल टू 4/5, वेयर x इज इक्वल टू 4/5। अब देखो क्या करना पड़ेगा आपको, इस x की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा 4/5। तो अपन देखते हैं, तो मैंने लिखा पी एक्स जो है मेरे पास 5x - π है। अब जहां जहां x है वहां में क्या पुट करूंगा, 4/5 इंटू एक्स की वैल्यू है मेरे पास 4/5, ये माइनस का 5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, बचा क्या मेरे पास 4 - π। तो क्या जो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है, क्या इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो रही है, नहीं हो रही, तो हम क्या लिखेंगे, सो एक्स की पावर 4/5 इज नॉट द जीरोस, ये इसका जीरोस नहीं है, इज नॉट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स, ठीक है स्टूडेंट। ये था सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो थर्ड वाला आप कर लोगे, ठीक है, इसी तरीके का है, ठीक है। अभी जो है मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 5 अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं आपको करा रहा हूं अभी, देखो 5th में कुछ भी नहीं है, 5th तो रहने दीजिए। आप करते हैं px = x स्क्वायर दे रखा है, x की वैल्यू 0 दे रखी है, तो आप 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका पॉलिनोमियल। अभी देखो आप 4th देखिए, 4th
फोर्थ कर लेते हैं अपन, ठीक है। फोर्थ में देखो पी एक्स इज इक्वल टू मेरे को दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एक्स माइनस के टू, ठीक है, ये मेरे को दे रखा है। अब मेरे को तो क्या एक्स की वैल्यू भी दे रखी है, देखो साइड में जो इसके अगेंस्ट में आपको हर बार एक्स की वैल्यू भी मिली मिलेगी विच इज माइनस के वन कोमा टू, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वैल्यू जो है आपको इसमें रख के चेक करना है कि इसका जीरोस है या फिर नहीं। अब जीरो तभी होगा जब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है जीरोस की, तो ये वो हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहां से देखो एक्स मेरे पास है माइनस वन, तो पहले मैं माइनस वन पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालता हूं, तो पी ब्रैकेट माइनस वन, तो जहां जहां एक्स होगा मैं वहां क्या पुट करूंगा माइनस के वन, एक्स प्लस वन इट मीन्स माइनस वन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट माइनस वन माइनस के टू, माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट क्या हो जाएगा जीरो इंटू माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस के थ्री। अब जीरो को मेरे को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कराना है तो क्या आ जाएगा जीरो। अगर दोनों डिजिट में से एक नंबर भी आपके पास जीरो आता है तो आपको आंसर भी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी आपको क्या मिलेगा जीरो, ठीक है। तो इट मीन्स पी माइनस वन पर आपको क्या मिल रहा है जीरोज मिल रहा है, तो p मैं क्या लिख सकता हूं x इज इक्वल टू माइनस वन, सो x इज इक्वल टू माइनस वन इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है देन ये लिख सकता हूं मैं। नाउ आई आल्सो नीड टू चेक एट द वैल्यू ऑफ 2 वेयर x इज इक्वल टू 2, तो अब जो है इस पॉलिनोमियल के वैल्यू में 2 पर भी चेक करने वाला हूं, ठीक है। तो जहां x होगा सॉरी जहां x है वहां पे अब आपको क्या पुट करना पड़ेगा 2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो जहां पर x है वहां पे मैं पुट कर रहा हूं, तो x प्लस वन है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वन ब्रेकेट क्लोज x माइनस टू इट मीन्स 2 माइनस के 2। अब 2 प्लस वन क्या कहलाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3 को अब मैं जो जीरो से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो अगेन मेरे को आंसर क्या मिलेगा, अगेन मेरे को आंसर क्या मिलने वाला है जीरो। तो इट मींस क्या कॉन्सेप्ट यहां से निकल कर क्लियर होता है कि जो है एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू टू इज द पॉलिनोमियल ऑफ इज द जीरोज ऑफ यहां पे लिखा नहीं जा रहा है इसको x इज इक्वल टू यहां पे आप लिखेंगे x इज इक्वल टू टू इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। यहां तक आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आप इसको लिखने के लिए वीडियो को यहां पर पॉज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लिखिए, ओके स्टूडेंट। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक मैंने आपको बता दिया हिंट, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपन डिस्कस करते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट जो है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, विच इज पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये जो है आपको सोल्व करना है वेयर वैल्यू ऑफ एक्स
इज इक्वल टू वन बाय टू, एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू। अब देखो अगेन जहां पे एक्स है वहां पर क्या पुट करूंगा मैं, वन बाय टू इंटू वन बाय टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचा वन प्लस वन विच इज इक्वल टू टू। तो इट मीन्स x के 1 by 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरे को कितना मिल रहा है 2, तो जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। सो x इज इक्वल टू 1 by 2 इज नॉट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। सो x इज इक्वल टू 1 by 2 इज नॉट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो है फर्स्ट पार्ट है, देखो पहले अपन इसको समझते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखो अब तक जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरे को दे रखी थी, अब जो है आपसे ये पूछे कि बताओ कि इस लीनियर पॉलिनोमियल की या फिर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको कैसे डील करते हैं। तो देखो अभी जो है इस एक्सरसाइज में ओनली मेरे पास जो है पॉलिनोमियल जो है सारे लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आप एक बात ये भी ध्यान में रखेंगे कि जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपको जीरोज बताने, आपको तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका जीरोज होगा, इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री कितनी होती है वन, ठीक है। डिग्री होती है इसकी वन। तो इसके जीरोज की वैल्यू मतलब जीरोज भी कितना होगा वन ही होगा। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, दो होती है, तो इसका जीरोज भी कितना होगा, कितने जीरोज होंगे इसके, इसके दो जीरोज होंगे। नेक्स्ट है मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी होती है थ्री, तो जीरोज भी कितने होंगे इसके, थ्री होंगे। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब जो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें एक्स प्लस वन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस की वैल्यू है वो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये है अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब तक जो है मेरे को जीरोस की वैल्यू दे रखी थी, ओनली मेरे को वेरीफाई करना था या फिर उनकी वैल्यूज बतानी थी पॉलिनोमियल की। अब जो है इस लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस की वैल्यू मेरे को बतानी है जिस पर जो है ये पॉलिनोमियल जीरो होगा। तो देखो इसका डायरेक्ट तरीका ये है कि जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, ठीक है, px is equal to x plus 5 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे इसी को क्या करा देंगे, जीरो के इक्वल करा देंगे। तो मैं क्या करूंगा इस पॉलिनोमियल px को जीरो के इक्वल करा दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा x plus 5 is equal to 0। यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, प्लस का 5, इधर आके माइनस का 5, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, माइनस के 5, ठीक है। तो माइनस के 5 पर ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेकंड भी इसी टाइप का है, थर्ड जो है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो इस पॉलिनोमियल का आपको वैल्यू बताना है, इस पॉलिनोमियल के जीरो की वैल्यू आपको बतानी है, तो आप क्या करोगे इस पॉलिनोमियल px को जो है इक्वल टू जीरो करोगे, तो px की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे आप प्लस के 5 को पहले इधर मूव कराओगे तो माइनस के 5। अब आपको तो ओनली x की वैल्यू चाहिए, तो इसको भी क्या करोगे आप सिंगल, तो देखो 2 इसके मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, x इज इक्वल टू माइनस के 5 बाय 2। तो माइनस के 5 बाय 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी,
जीरो होगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, ये आपको लिख लेना, ये स्टार पॉइंट लगा के आप स्टार बना के जो है लिख लेंगे रफ नोटबुक में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है तो उसका जीरोस की वैल्यू भी वन होगी। मतलब जीरोस की वैल्यू वन हो गया, जीरो कितने टाइप्स के होंगे, वन टाइप के। जैसे मैंने कहा एक्स की वैल्यू वन है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी जीरोस की वैल्यू कितनी है, वन। बट यहाँ पर एक से ज्यादा अगर हो तो उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, जीरोस कितने हो जाएंगे उसके, टू। इसी तरीके से फिर एक और मैंने देख दिया, इन तीनों वैल्यू पर अगर कोई पॉलिनोमियल जीरो होता है तो किसका एग्जाम्पल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू ना दिखा रखी आपको, वैल्यू नहीं है, मीन कि लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस की वैल्यू कितनी होगी, वन, ये नहीं बता के मैंने आपको क्या बता रखा है कि टोटल वन जीरोस होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के, टोटल टू जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, टोटल थ्री जीरोस होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है स्टूडेंट, काफी इजी चैप्टर है आपका, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली आप इस चैप्टर को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करने वाला हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है इसकी वैल्यू मेरे को जीरो के बतानी, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पी एक्स को जो ही है मैं जीरो के इक्वल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो थ्री एक्स इज आल्सो इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्या हो जाएगा, जीरो बाय थ्री, इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आपको जीरो पर, जीरो रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो है जीरो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो जो है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर सिक्स आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो है मेरे को दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एंड वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए क्या है, जीरो नहीं है। इस पॉलिनोमियल के आपको जीरो बतानी, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पी एक्स को जो है जीरो के बगल करा देता हूँ, तो ए एक्स अब क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू देखो जीरो बाय ए, इट मीन्स जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर भी जीरो वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, जीरो। इट मीन्स जीरो रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज का आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो and c and d are real number. Okay, ये last question है इस exercise का। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इस polynomial को zero के equal करना पड़ेगा, p x is equal to zero आपने किया, p x अपने पास है c x plus d which is again is equal to zero। ठीक है, तो c x plus का d इधर आके minus का d हो गया, x value क्या हो जाएगी, minus के d upon c, minus के d upon c। ठीक है student, तो ये था क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये सेवन, फोर्थ का सेवन। तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब अपन मिलेंगे तो एक्सरसाइज 2.3 डिस्कशन। देखो अपन अगेन मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, एक्सरसाइज में अपने ने क्या पढ़ा है, पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दे रखा था, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको जीरो पर, माइनस वन पर और टू पर। तो आपको जीरो रखना था जहां एक्स है तो आपको वैल्यू मिल जाती, फिर आपको माइनस वन रख के चेक करना था, और इसी तरीके से जहां जहां पर एक्स है वहां पे आपको टू पुट करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी। इसी तरीके से सेकेंड भी इसी टाइप का है कि आपको इस पॉलिनोमियल की जीरो पर, वन पर और टू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था, आपको वेरीफाई करना था कि जो एक्स के अगेंस्ट में, इस पॉलिनोमियल के अगेंस्ट में जो वैल्यू दे रखी है जीरो की, वो ट्रू है फिर फॉल्स। वेरीफाई मीन्स अगर आपको x के जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलती है, तब तो ये जीरो से, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर डिफरेंट टाइप का था, अब तक जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू जो जीरो की वैल्यू जो है अपने को गिवन थी, इस क्वेश्चन में जो है मेरे को फाइंड आउट करनी थी कि कौन से जीरो पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। तो दिस विल बी योर
एक्सरसाइज 2.2। अब एक्सरसाइज 2.3 के लिए जो है रैंडम थ्योरम मेरे को पढ़नी पड़ेगी आपको, जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पहले बताना पड़ेगा, उसमें काफी टाइम लगेगा, तो जो है अपन इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफी अच्छी थ्योरम है ये, और आपके 10th क्लास में भी ये थ्योरम काम में आएगी। 10th क्लास में भी आपका जो है चैप्टर 3rd जो है पॉलीनोमियल ही है, तो आपको वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करें, और अगर कोई डाउट आता है तो आप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर अपन फिनिश करते हैं। थैंक यू।